हाथी भाई को आने दीजिए। अरे हाँ, हाथी भाई जल्दी आइए। हाथी भाई आइए। आओ जल्दी आइए। बैठे। अब जल्दी से टप्पू के पापा को जाग कीजिए। देखता हूँ, देखता हूँ। दो मिनट। झोपले की क्या? हाँ, I'm ready. I'm ready. जेठा भाई, बहुत जोर से शॉक लगा। हाँ हाँ, बहुत जोर से शॉक लगा है। देख, अभी तक डरा हुआ है। Let me check. वायर दूर रखिए। अरे जेठा भाई, स्टेथोस्कोप। शांति रखिए एक मिनट। सॉरी। अरे जेठा भाई, थोड़ा कॉपरेट कीजिए ना। जरा लंबी लंबी सांसें लीजिए। छोड़िए, फिर से छोड़िए। अब थोड़ा खांसी है तो खांसी। बस बस बस, हो गया हो गया। सीधे बैठ जाइए जेठा भाई। वैसे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन दया भाभी, मुझे क्या लगता है कि जेठा भाई को इतनी जोर से शॉक लगा है कि इनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। करंट दिल में बैठ गया है, अब उसे दिल से बाहर निकालेंगे कैसे? अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैंने कहा कि उनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। डर डर, मुझे लगता है इनको फोबिया हो गया है। फोबिया? फोबिया नहीं, फोबिया। फोबिया यानी कि कुछ लोगों को किसी भी छोटी बड़ी बात का बहुत डर लगता है, जबकि वो बात हमारे लिए बिल्कुल छोटी होती है। पर जिन्हें फोबिया होता है, उनके लिए ये बात जानलेवा डर जैसी होती है। किसी को ऊंचाई का फोबिया, किसी को कमरे में कैद होने का फोबिया, किसी को रास्ते पे चलते हुए एक्सीडेंट होने का फोबिया। वैसे ही लगता है जेठा भाई को इलेक्ट्रिक करंट का फोबिया हो गया है। मतलब टप्पू के पापा अब जिंदगी भर ऐसे ही डरते रहेंगे? नहीं नहीं, एक दो दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे तो अच्छा है, वरना किसी इलेक्ट्रिशियन को बताना पड़ेगा। मतलब किसी स्पेशलिस्ट को बताना पड़ेगा। नहीं, सही बात। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। हथेड़िया की फीस दे दे। अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप तो बिना वायर के करंट दे रहे हो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी मेरी फैमिली जैसी है, और अपनी फैमिली वाले से कोई फीस लेता है क्या? और हाँ, अगर फीस देनी है ना तो जेठा भाई ठीक हो जाए तो आम रस और पूरी की पार्टी दे दीजिएगा। बस खाने की बात। आम का सीजन तो आ ही गया है, क्यों? सही बात है कि नहीं? और जेठा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आराम से सो जाइए, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलो हम लोग भी चलते हैं। बाय जेठा लाल, ध्यान रखना। बाय बाय जेठा लाल, बाय बाय जेठा लाल, ठीक है। चल जेठिया, तू भी अभी बिना डरे शांति से सो जा। चल बापू जी, चल। आराम से शांति से सो जाइए। हाँ नहीं, क्या हुआ? वो लैंप वहां से हटा दे। हाँ हाँ, मैं बंद कर देती हूँ। अरे बंद नहीं, उसका वहां से हटा दे। आधी रात को अपने आप चालू हो गया और उसका करंट पलंग में आ गया तो हाँ? क्या दिख नहीं रहा है? हाँ, ये देखिए, मैंने ये बंद कर दिया और इसे ये
नीचे रख दिया बस। आई आई हे माँ माता जी, टप्पू के पापा को ये क्या हो गया है? पापा, गुड मॉर्निंग। जेठिया, ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ बापूजी। बंद कर टप्पू, बंद कर टीवी, बंद कर, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बंद कर। अरे पापा, टीवी में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, मैं पिक्चर देख रहा ना, उसमें बिजली करा जा रही है, देखो। सुबह सुबह पिक्चर देखता है, बंद कर टीवी। ए भाई, अभी बिल्डर भाई, पूरी जिंदगी क्या डरता ही रहेगा? अरे लाइट तो हर जगह होती है, तो क्या घर में ही बैठा रहेगा? और घर में भी लाइट तो होती ही है, तो क्या जिंदगी भर छत पे जाके बैठा रहेगा? ये देख पेपर में क्या लिखा है, शिमला में एक आदमी को बाथरूम में नहाते वक्त गीजर से शॉक लगा, तो वो क्या जिंदगी भर बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा? हे भगवान, गीजर तो मेरे बाथरूम में भी है, मुझे भी शॉक लग सकता है। नहीं नहीं, आज से मैं बाथरूम में नहीं नहाऊंगा। पापा, अब नहाने जा सकते हैं, मैंने कपड़े धो लिए। बाथरूम में कैसे जाऊं? क्या सोच रहा है, नहाना नहीं है? नहीं है? हाँ तो जा। बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्या? बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्यों? मुझे शौक लगेगा। ये नहीं लगेगा। भविष्यवाणी मत कर, बोला उतना कर। बिजली और पानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, उसके बीच में जो भी आता है उसकी हालत बैंगन भरते जैसी हो जाती है। जा, जाके गीजर निकाल दे। लेकिन इतना बड़ा गीजर मैं कैसे निकाल सकती हूँ? तो उसका प्लग निकाल दे। ठीक है। जा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय टप्पू। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जानेदार। कैसे हो आप? टप्पू जी पापा। अरे बबीता जी, आइए आइए। बबीता जी, मैं आपके लिए चाय और अय्यर भाई आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं देव भाभी, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए, हम तो सिर्फ जेठा जी का हालचाल पूछने आए थे। थैंक यू बबीता जी। अय्यर भाई, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, थैंक यू। टप्पू के पापा, मैंने वो गीजर का प्लग निकाल दिया है, अब आप बिना डरे नहा सकते हैं। यार लाला, तुम अभी भी करंट से डर रहे हो? हाँ। अरे नहीं। अच्छा, तो अभी टीवी में चमकती बिजली देख के डर क्यों रहा था? झाड़ालाल, तुम अब तक इलेक्ट्रिक करंट से डर रहे हो? ये अय्यर वैडी मेरा हालचाल पूछने आया है कि मेरा मजाक उड़ाने आया है? भाई मैं डरता नहीं हूँ। अरे नहीं डर रहा है तो ये चेहरे पे 12 क्यों बजे? टप्पू के पापा, सिर्फ आपका फोन बज रहा है। क्या फोन उठा? अरे बाप रे, मोबाइल तो चार्जिंग पे है, फिर से शॉक लगा तो? अरे रुक क्यों गया, फोन उठा ना भाई। बाबूजी, फालतू टाइम पास वाला फोन है, कुछ काम का नहीं है, वो लोन चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, वो सब। ओहो जेठालाल, क्या बात है, कमाल का नजर है तुम्हारा, इतनी दूर से नंबर देख लिया। मैं देखता हूं।
पापा फालतू फोन नहीं, नट्टू काका का फोन है, ये देखो। अच्छा ला इधर ला। हाँ नट्टू काका बोलिए। सेठ जी नट्टू काका बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। हाँ बोलिए। सेठ जी आज 12 बजे राजू रिसोर्ट वाले राजन भाई मिलने के लिए आ रहे हैं। आज? हाँ। नट्टू काका इतनी बड़ी पार्टी से मुझे पूछे बिना मीटिंग क्यों फिक्स की आपने? आज नहीं मीटिंग कैंसिल करो। अरे कैसे कैंसिल कर दूं सेठ जी, बड़ी मुश्किल से उनको समझा पटा कि मीटिंग मैंने फिक्स की है। अगर आज की मीटिंग कैंसिल हो गई ना तो गाला एंड सन्स वाले जयंती भाई और सूरज भाई इतना बड़ा ऑर्डर खींच लेंगे। नहीं नहीं ठीक है फिर आता हूँ मैं। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी सुपर प्रोफेशनल। ठीक है मैं आता हूँ। हम लोग चलते ओके? अरे बस जा रहे बबीता जी। हाँ हाँ हाँ। जड़ालाल तुम डरना मत। हाँ मैं डरता नहीं हूँ भाई। चलो भैया। अरे गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग मैदा दार। अरे हाँ मैदा दार भाई जड़ालाल को पूछना मत कि उसको डर लग रहा है क्या। नहीं पूछने पे गुस्सा होता है। चलो भैया। हाँ चलो बाय बाय बाय। अच्छा हाँ जड़ालाल कैसी तबीयत? हाँ ठीक है खाली थोड़ा डर लग रहा है। बापूजी इतना बड़ा शौक लगा है तो जरा डर तो लगेगा ना। पापा आप जरा नहीं ज्यादा डर रहे हो। हाँ तो अरे भाई शौक लगा बराबर है लेकिन इतना डरने का? चाचा जी इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, फोबिया में ऐसा ही होता है, मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक स्थिति ऐसी है। मतलब जेठिया की मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है? अरे नहीं 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 ये मानसिक समस्या वैसी समस्या नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ये तो एक। अरे तो कैसा मानसिक प्रॉब्लम है बराबर समझाना भाई। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चाचा जी ये एक मेंटल स्टेट है, हमारी मानसिक स्थिति में कई बार छोटे मोटे डर बैठ जाते हैं और ये थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं, इसलिए आप अगर जेठालाल को डांटेंगे नहीं और हिम्मत देंगे और प्यार से समझाएंगे तो इसका भी फोबिया ठीक हो जाएगा। वाह थैंक यू, एक दोस्त ही एक दोस्त की तकलीफ समझ सकता है। थैंक यू दोस्त। दया मैं सबके लिए एक मसालेदार कड़क चाय बना के लेके आ जा जल्दी। नहीं नहीं दया भाई चाय भाई नहीं, मुझे अभी बहुत देर हो रही है ऑफिस जाना है इसलिए मैं चाय फिर कभी पीऊंगा। ओके चलता हूँ। ओके जय सर। अच्छा जय जिनन चाचा जी। बाय बाय। टप्पू के पापा अपना लीजिए। हाँ तूने सच में प्लग निकाल दिया है ना? हाँ टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने प्लग निकाल दिया है और गीजर के ऊपर कपड़ा ढक दिया है, आपको ऐसा ही लगेगा कि बाथरूम में कहीं गीजर है ही नहीं। हाँ क्या करूं, वापस घर में भी नहीं जा सकता, जाऊंगा तो बापूजी डांटेंगे, नीचे भी नहीं उतर सकता, क्या करूं? जेठालाल क्या हुआ? अरे बाप रे पोपटलाल, अगर इसको पता चला कि मैं वायर से डर रहा हूं तो पूरी सोसाइटी में मेरे डर का ढिंढोरा पिटेगा। ओ जेठालाल भाई क्या हुआ, ऐसे वहां क्यों खड़े हो? अरे वो सांप है, सांप। सीढ़ियों के ऊपर दिखने रहे, तो हरा हरा देखो। एक मिनट अरे जेठालाल ये सांप नहीं है, बेल है, बेल। वो वहां से हवा से ऐसे उड़कर यहाँ तक आ गया होगा। बेल है? हाँ ये देखो। अच्छा
ये बेल है। अरे भाई तुम खामे का डर गए? नहीं नहीं मैं डरा नहीं था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम डर रहे हो कि नहीं। अरे जेठालाल, नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बेल को सांप समझ कर डर गए। हेलो, नहीं नहीं बस मैं निकल ही रहा था। अरे निकल चुका हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं क्या है, चलो हाश गया। हे भगवान, अभी दुकान तक रास्ते में और कोई वायर ना मिले ऐसा करना प्लीज। थैंक यू प्रभु, मेरे लिए आपने रिक्शा कंपाउंड तक भेज दी, थैंक यू। आगे भाई साहब खाली है? हाँ बैठिए। ये आपके रिक्शा में कोई मीटर का लाइट का कोई वायर वायर लूज तो नहीं है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं है। एक मिनट चेकिंग करने दो भाई। चलो भाई एमजी रोड। तू कहाँ से आ गया? कहाँ से मतलब? यही से, मैं इसी रिंग में रहता हूँ ना। मेरा मतलब है तू कहाँ घुस गया भाई, उतर उतर मुझे जाना है। हाँ तो जाओ ना, नाके पे तुम्हें दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। हाँ अरे भाई, तो तुमको भी तो नाके से दूसरी रिक्शा मिल सकती है ना। हाँ लेकिन जेठालाल मुझे रिक्शा भी मिल गई है ना, तो नाके पे जाके दूसरी रिक्शा लूंगा मैं दो दो रिक्शा में जाऊंगा। अरे भाई दो दो रिक्शा में जाने की जरूरत नहीं है, तो नाके वाली रिक्शा में तुम जाओ, ये रिक्शा में मैं जाऊंगा, क्योंकि ये रिक्शा मेरी है। ये रिक्शा तुम्हारी है? ए भाई ये रिक्शा मेरी है। नहीं नहीं ये रिक्शा तुम्हारी है, मेरा मतलब है रिक्शा मैंने पकड़ी है। तो फिर बैठे क्यों नहीं? मैं जरा चेकिंग कर रहा था कोई वायर लूज बूझ तो है कि नहीं। ओहो हो हो हो, मतलब अभी भी दिल में वो करंट का डर है? कोई डर नहीं है दिल में, तू उतर ना भाई। देखो देखो गुस्सा आ रहा है, मतलब डर है तुम्हें? हाँ अरे भाई तू उतर, मुझे दुकान जाने देर हो रही है। जेठालाल मुझे भी ये डिलीवरी करने जाना है, मेरे हाथ में सामान है जेठालाल। तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तुम इसे हाथ हिलाते हुए जा सकते हो ना खेत तक? मेरी रिक्शा मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ प्लीज हाँ प्लीज। चलो भाई मीटर डाउन है, चल चल एमजी रोड प्लीज प्लीज। हाँ ओके क्या भगवान, मुंह तक रिक्शा करने वाला भेजा और छीन भी लिया। अभी दूसरी रिक्शा मिले उसके पहले कोई वायर ना मिले तो अच्छा है। कोई चलती हुई लिफ्ट अचानक रुक जाए और उसमें आप अकेले फंसे हुए और हो चारों तरफ अंधेरा, तो आपका हाल कैसा होगा? मेरे मित्र जेठालाल का हाल इस वक्त वैसा ही है। यूं कहें कि वो सुबह ही सुबह निकले किसी कुत्ते को घुमाने के लिए और रास्ते में पता चला कि जो साथ में चल रहा है वो शेर है। क्या होगा मेरे परम दुखी मित्र जेठालाल का, क्योंकि उन्हें जाना है दुकान और साथ में है फोबिया, डर। कई रास्ते में कोई खुला वायर मिल गया तो करंट आ गया तो भाई ये डर जेठालाल को क्या दुकान पे पहुंचा पाएगा? और मुझे तो लगता है कहीं ये डर जिंदगी भर साथ न चले। भाई जिंदगी में बहुत तरह के फोबिया होते हैं लोगों को, और आजकल तो सच कहूं लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से फोबिया है, उन्हें डर लगता है इन दोनों चीजों से, इससे दूर भागते हैं। लेकिन जो लोग इनसे दूर भागते हैं उन्हें यही कहना चाहता हूं कि अपने अच्छे वर्तमान के लिए हमारे देश के बच्चों का भविष्य मत बिगाड़िए, उन्हें एक खूबसूरत सच्चा और ईमानदार भारत दीजिए। लेकिन यहां जेठालाल का हाल है बेहाल इस डर की वजह से, इस फोबिया की वजह से। अब क्या होगा, जितने होंगे जेठालाल बेहाल आपके घरों में होगा हंसी का धमाल, एपिसोड होगा कमाल। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.